कि एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा समन्वय के आधार पर होगा तो नेता नीति और नेतृत्व ये तीनों चीज होना है ना दो दिवसीय दौरे पर थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और देर शाम कल गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2024 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के साथ लड़ा जाएगा दो की जो बात है वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार 24 तो लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा ही जाएगा लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा आखिर क्यों इस पर बात करेंगे हमारे साथ जे के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है 2024 का तो समझ में आ गया लेकिन दो 2025... हजार सब समझ में आ रहा है 2000 उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में यह दो बातें तय किया उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2024 में और 2025 में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के सहयोग से चुनाव लड़ेगा और स्वाभाविक है वो अपनी पार्टी के नेता के बारे में उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में इसमें कहाँ परेशानी है परेशानी तो बिहार का जब 2025 में चुनाव है तो जब एन जब बिहार के अंदर चुनाव होगा तो इस संबंध में तो जनता दल का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और बिहार बिहार की जनता का जो मनोदशा है उसे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को हमेशा स्वीकार किया लेकिन विधानसभा का चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए ना भाई बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में प्रस्तावित है भारतीय जनता पार्टी के मंच मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के के दौरान जो मंतव्य उभर कर कर आया उसमें साफ तौर पर यह आया कि एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा समन्वय के आधार पर होगा और अपनी पार्टी के नेता के बारे में उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में होगा तो ये लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होगा और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए गठबंधन है तो कोई भी चुनाव भी मैदान में अगर आप जाइएगा तो नेता नीति और नेतृत्व ये तीनों चीज तय होना है ना भाई लोकसभा चुनाव होगा तो किन किन नेतृत्व में सरकार बनेगी तय होगा विधानसभा चुनाव होगा तो किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी यह तय होना है जेपी नड्डा ने, ने कहा है कि क्षेत्रीय तो बचे ही हम लोग का क्या है 24 नवंबर 2005 से बहुत लोग असहज होते रहते हैं जनता दलियों को देखकर लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी तो कायम ही है बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय राष्ट्रीय पार्टियां ने क्षेत्रीय आकांक्षा को पूरा नहीं किया जिसके चलते हुआ और ये गठबंधन की अनिवार्यता है इस दशकों से इतिहास रहा इस बिहार देश का चाहे यू हो चाहे एन हो चाहे वो अटल जी की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो यूपीए की सरकार हो क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग तो हर एक गठबंधन को लेना पड़ा है और उसकी बुनियाद पर ही सरकार चली है क्या आने वाले समय में 2025 में अगर भाजपा अलग हो जाती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे अकेले दम पर अभी भविष्य वक्ता तो हम लोग थोड़े ही हैं लड़ सकते हैं जेडीयू में है इतनी अरे जेडीयू ने, ने अपनी सार्थकता तो सिद्ध की है इस बिहार की राजनीति में न हम तो बार बार बोल रहे है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सार्थकता तो चाहे कोई प्यार करे या घृणा करे नीतीश कुमार जी के और जनता दल की भूमिका को नकार किसे कोई देगा सर ये तो ये थे हमारे साथ है के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं गणेश प्रणेशन के साथ नमस्कार